सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नितेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की बिगी फिल्म द लायन किंग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, 1994 में आई फिल्म द लायन किंग जो कि एक एनिमेटेड फिल्म थी। इसमें मुसाफा और सिम्बा के कैरेक्टर्स को काफ़ी पसंद किया गया था और दोस्तों ये फिल्म 1994 में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाई कर चुकी थी। बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म के जो राइट्स थे वो डिज्नी के पास थे और डिज्नी ने दोस्तों अब इस फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण किया है जिसे कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है। बताया दोस्तों आपको कि चाइना के मार्केट को देखते हुए डिज्नी ने इस फिल्म को पहले चाइनीज मार्केट में रिलीज किया, जहां से दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में ही 90 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर ली थी। वहीं अगर बात करें इंडियन बॉक्स ऑफिस और यूएसए बॉक्स ऑफिस की, तो बताया दोस्तों आपको कि यूएसए बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 18 जुलाई रिलीज हो चुकी थी, वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म रिलीज हुई है 19 जुलाई को। बात की जाए अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बताया दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने यूएसए बॉक्स ऑफिस पर तो अभी तक काफी शानदार कमाई की है और डोमेस्टिक मार्केट में दोस्तों ये फिल्म अपने 4 दिनों में कमा चुकी है $200 मिलियन यानी कि 1400 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें इंडिया बॉक्स ऑफिस की, तो इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, जिसमें दोस्तों इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे में इंडिया से कमाए थे लगभग 13 करोड़ 25 लाख रुपए। सेकेंड डे में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस काफी शानदार रहे हैं और इस फिल्म ने कमाए हैं 19 करोड़ 15 लाख रुपए। वहीं दोस्तों थर्ड डे में इस फिल्म ने काफी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ दिखाई है और कमाए हैं 24 करोड़ 54 लाख रुपए। बताएं दोस्तों आपको कि इस फिल्म के जो दो मेन कैरेक्टर है मुफासा और सिम्बा, उन्हें आवाज दी है यहाँ पर सुपरस्टार शाहरुख खान और आर्यन खान ने। वहीं दोस्तों इस फिल्म के विलेन स्कार को आवाज दी है आशीष विद्यार्थी ने। पुम्बा के कैरेक्टर को आवाज दी है संजय मिश्रा जी ने। डायरेक्टर है दोस्तों इस फिल्म के जॉन फेवरू और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 3 दिनों में कमा लिए थे लगभग 54 करोड़ 75 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों ये फिल्म अवेंजर सीरीज के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़ा वीकेंड हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी थी और अपने 3 ही दिनों में हो चुकी थी ब्लॉकबस्टर। बात की जाए अगर इस फिल्म के फोर्थ डे के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्किंग डे होने के बाद भी इस फिल्म ने अपने फोर्थ डे में काफी शानदार सस्टेनिंग की है और इस फिल्म का फोर्थ डे का कलेक्शन रहा है लगभग 9 करोड़ रुपए का। यानी कि दोस्तों ये फिल्म वीकडेज में भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है और इस फिल्म का अभी तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 63 करोड़ का। बात की जाए इस फिल्म के फिफ्थ डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो बताया दोस्तों आपको कि आज भी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को काफ़ी शानदार ऑक्यूपेंसी हासिल हुई है और मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म के जो शो है वो रहे हैं 45 से 50% के। यानी कि दोस्तों ये फिल्म अपने फिफ्थ डे में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से हो चुका होगा लगभग 72 करोड़ रुपये का। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ये फिल्म अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी है लगभग 4600 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों ये फिल्म इस साल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है और हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। बता दोस्तों आपकी कि सुपरस्टार शाहरुख खान को इस फिल्म में आवाज देने के कारण ही एक हिट फिल्म मिल चुकी है जिनकी उन्हें काफी दिनों से तलाश थी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।